हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। ये है अनअकैडमी का अनअकैडमी यूपीएससी और आप देख रहे हैं मुझे यानी कि दुर्गेश नंदन को। अनअकैडमी यूपीएससी पर डेली मॉर्निंग हम मिलते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए। आज तारीख है 19 फरवरी और आज के डे की शुरुआत करने जा रहे हैं हम आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। काफ़ी सारे करंट इश्यूज़ हैं, पिछले 2-3 दिन हमारी क्लासेस नहीं हुई थी तो कुछ ऐसे भी हमारे पास अपडेट्स हैं, कुछ ऐसे भी इश्यूज हैं जो पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही। वैसे एक एक्स्ट्रा क्लास भी हम करेंगे जो पिछले हमारे 2-3 दिनों का करंट अफेयर्स छूट गया है, उसके लिए वी विल बी डूइंग एक्स्ट्रा क्लास, है ना। बट फिर भी कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पिछले 2-3 दिनों से न्यूज़ में आपको देखने को मिल रही हैं उनको हम आज भी कवर करेंगे, है ना। आइए फटाफट से चलते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं कि 19 फरवरी के हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देखने को, है ना। पर इससे पहले कि हम शुरू करें, कुछ बेसिक जानकारियां आपके लिए। वो बेसिक जानकारी, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, वो है सबसे पहले तो कि आपको हमारी क्लासेस का शेड्यूल वगैरह कहाँ पर मिलता है। तो दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आपको मेरी क्लासेस का शेड्यूल मिलेगा, है ना, @arohan1, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सारे सेशन का शेड्यूल मिलने वाला है, सबसे पहली बात। दूसरी बात सर, टाइमिंग क्या है, 7 AM पे ये वाली क्लास जो आप अभी देख रहे हैं, 7 PM पे, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास होगी आज। 9 PM पे क्लास होगी लक्ष्मीकांत की और अनअकैडमी के ऐप पे, है ना, आपके 10 बजे हम लेने वाले हैं टेस्ट जो हमने होमवर्क दिया था आपको उसका, है ना। होमवर्क में 2 चीज़ें दी थी, एक स्पेक्ट्रम के 3 चैप्टर और इंडियन, है ना, पॉलिटी का जो हमारी वो NCERT की किताब है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, उसके 3 चैप्टर। आज पॉलिटी NCERT का टेस्ट होगा, कल हम टेस्ट लेंगे स्पेक्ट्रम का। आज पॉलिटी NCERT का टेस्ट है 10 बजे, ठीक है जी। चलिए, सारे सेशन के लिंक आपको यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अनअकैडमी एक मेगा इवेंट करवा रहा है विच इज़ अनअकैडमी समिट 2.0, है ना। अनअकैडमी समिट एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही ज़बरदस्त सा 2 दिनों का सेशन होने वाला है, 2 दिनों का इवेंट होने वाला है जिसमें काफ़ी सारे सेशन होंगे, काफ़ी सारे टॉक शोज होंगे, काफ़ी सारे पैनल डिस्कशन होंगे, यहाँ पर मेरा भी सेशन है वहाँ पर, है ना। तो 70 आइकॉनिक स्पीकर्स यहाँ पर आपको ज्वाइन करेंगे और आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स से परिचित करवाएंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हो सकते हैं, सिविल सर्वेंट की लाइफ कैसी होती है, पॉलिसी मेकिंग में सिविल सर्वेंट का क्या रोल होता है, एग्ज़ाम का नेचर, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, है ना। जो जिन लोगों ने रिसेंट डेज में एग्जामिनेशन को क्रैक किया है ऐसे लोग भी आएंगे, है ना। मेरा सेशन है यहाँ पर मेरे स्टूडेंट हिमांशु के साथ, रैंक 26 लास्ट ईयर, है ना। तो लास्ट ईयर के रैंक 26 हिमांशु के साथ मेरा भी सेशन होगा यहाँ पर, तो आप लोगों को ज्वाइन करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस सेशन का, आपको इस पूरे इवेंट का क्या मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। तो एक रजिस्ट्रेशन लिंक से आप 2 दिनों के पूरे सेशन के लिए, है ना, रजिस्टर कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। एक तरह से आपके लिए ओरिएंटेशन का काम करेगा कि कैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी को शुरू कर सकते हैं और किस प्रकार से उसको एक दिशा दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप अभी के अभी रजिस्टर कर सकते हैं चाहें तो, है ना, बहुत सिंपल सा है। और वहाँ पर आपको कोड डालना है DN Live, ठीक है। फ्री सेशन है, आपसे कोड पूछा जाएगा सर कि कोई एक्सेस कोड है आपके पास, तो एक्सेस कोड में आपको डाल देना है DN Live, आप अभी के अभी सब्सक्रिप्शन, मतलब अभी के अभी इसको एनरोल कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो किसके लिए है सर ये, हर उन स्टूडेंट के लिए जो UPSC सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो बिल्कुल बिगनर लेवल पे हो, चाहे वो, है ना, 6-7 महीने या साल भर, 1.5 साल 2 साल अपने प्रिपरेशन में लगा चुका हो, एक नई दिशा, है ना, एक फ्रेश स्टार्ट इस पूरे के पूरे इवेंट से आपको मिल सकता है। चलिए, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें, जो अनअकैडमी का पेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो बैचेज हैं, है ना, 2021, 22 और 23 के लिए ये बैचेस भी कल से शुरू हो चुके हैं, 18 तारीख से शुरू हो चुके हैं। दीज ऑल आर अल्टीमेट बैचेस, है ना, अल्टीमेट बैचेस हैं। अल्टीमेट बैचेस कहने से मेरा क्या मतलब है, मतलब दे आर प्रोवाइडिंग अल्टीमेट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप इन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा यहाँ पर आपका, है ना। इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, डाउट सेशंस, जो चीजें आपको जरूरत होती है उन सारी चीजों को हमने एक ही जगह पर रख दिया है अनअकैडमी प्लस में। वॉट एवर इज योर रिक्वायरमेंट दैट इज प्रेजेंट हियर। सारी की सारी सेशंस भी होते हैं लाइव, तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं है,
कोड है अपना डीएन लाइव, यही आपको यूज करना है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और डायरेक्टली आप मेरे से जुड़ जाएंगे। चलिए सारे बच्चे आ चुके हैं, आइए फटाफट से शुरू करते हैं कहानी। तो दिस इज द फी गाइस, ये फी है 1 ईयर का 49,000, 2 ईयर का 72, ठीक है, और कोड ये रहा डीएन लाइव। चलिए आइए फटाफट से देखते हैं कि क्या है आज के अपडेट्स। तो सबसे पहले पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के ऊपर, है ना, तो आइए यहीं से डिस्कशन को शुरू करते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को बोला जा रहा है कि ये अपने आप में काफी रिवॉल्यूशनरी है। रिवॉल्यूशनरी इसलिए क्योंकि पहले के जो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस रहे हैं उनसे ये काफी अलग है। किन मायनों में अलग है अभी मैं आपको काफी डिटेल में समझाने जा रहा हूँ, है ना। तो 15th फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन आपको पता होना चाहिए एक प्रकार से, है ना, फाइनेंस कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फटाफट से मुझे आप चैट सेक्शन में बताइए कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, विच इज द आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जल्दी से मुझे आर्टिकल नंबर बताइए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। तो 15 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस, है ना, थोड़े डिफरेंट है दूसरे फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से, काफी रिवॉल्यूशनरी चेंजेस यहां पर हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किस कंटेक्स्ट में ये रिकमेंडेशंस 15th फाइनेंस कमीशन ने दिए। जब 15th फाइनेंस कमीशन को सेटअप किया गया तो 15th फाइनेंस कमीशन के सामने किस प्रकार के चैलेंजेस थे, क्योंकि जब भी हम किसी प्रकार का, है ना, किसी प्रकार का आप कहिए कि काम करते हैं तो हमारे सामने जो भी उस समय चैलेंजेस रहे उनको एड्रेस करते हुए करते हैं। तो पहले चैलेंजेस देखते हैं और फिर देखते हैं कि फाइनेंस कमीशन ने कैसे उन चैलेंजेस को एड्रेस किया। फर्स्ट वी विल लुक एट द चैलेंजेस एंड देन वी विल लुक कि कैसे फाइनेंस कमीशन ने उनको एड्रेस किया। तो मेजर चैलेंजेस, है ना, फेस्ड बाय 15th फाइनेंस कमीशन, तो एफसी हैड फेस्ड मेनी चैलेंजेस, पर्टिकुलरली क्योंकि ये रिपोर्ट बनानी थी 2021 से 26 के टाइम ड्यूरेशन के लिए, है ना, 21 से 26 के लिए। तो क्या क्या यहाँ पर समस्याएं सामने आई फाइनेंस कमीशन के लिए वो देखते हैं। तो सबसे पहला इश्यू तो ये था कि हमें यूज करना था 2011 का पॉपुलेशन सेंसस, है ना, इश्यू ऑफ यूजिंग 2011 पॉपुलेशन सेंसस। द सदर्न स्टेट्स, है ना, वी आर नॉट फेवरिंग इट। सदर्न स्टेट्स को पता था कि डेमोग्राफी में काफी चेंज हो रहा है हमारे डेमोग्राफी में, और हमारे डेमोग्राफी में जो चेंज है वो रिफ्लेक्टेड नहीं होगा अगर 2011 का ही सेंसस यूज किया जा सकता है। 10 साल में, है ना, काफी सिग्निफिकेंट चेंज डेमोग्राफी में आ गया है सदर्न स्टेट्स के, और इसीलिए वो इस चीज के फेवर में नहीं थे। दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम ये आया कि क्रिएशन ऑफ नॉन लैप्सेबल डिफेंस फंड, है ना, क्रिएशन ऑफ नॉन लैप्सेबल डिफेंस फंड। नॉन लैप्सेबल का मतलब है कि भले ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाए पर वो फंड जो है लैप्स ना करे, है ना। तो ये भी एक इशू सरकार के सामने था, सरकार का डिफेंस एक्सपेंडिचर पर, है ना, प्रेजेंट गवर्नमेंट का डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है ना, वो हमेशा से एक की फोकस एरिया रहा है ना, की फोकस एरिया रहा है। इसीलिए वो चाहते हैं कि डिफेंस एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो फंड है ना, डिफेंस फंड है, वो नॉन लैप्सेबल रहे। तीसरा चैलेंज जो इनके सामने था वो था यूजिंग सर्टेन पैरामीटर फॉर कैलकुलेटिंग परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स टू द स्टेट, है ना। पिछले कुछ वर्षों में, खासकर जब से नीति आयोग, है ना, पिक्चर में आया है, तब से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर जोर बढ़ गया है, और जब से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर जोर बढ़ा है, ना, राज्यों के बीच कॉम्पिटिशन, है ना, कॉम्पिटिशन की भावना को बढ़ाने के लिए हम काफी सारे इंडाइसेस डेवलप कर रहे हैं, जिन इंडाइसेस के माध्यम से राज्यों के बीच कॉम्पिटिशन बढ़ाने की कोशिश की जाती है, और राज्यों को परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम काफी प्रकार के इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, विच अगेन इज पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, है ना। तो किन फॉर्मूलाज के आधार पर ये इंसेंटिव्स राज्यों को प्रोवाइड किए जाए, इन फॉर्मूलाज को बनाना भी काफी कठिन काम था, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर, है ना, जो फेडरल फीचर है उसको किसी ना किसी रूप में इफेक्ट करेंगी, है ना। और फिस्कल फेडरलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारा फाइनेंस कमीशन, तो फिस्कल फेडरलिज्म का चूंकि ये इम्पॉर्टेंट फीचर है और हम फिस्कल फेडरलिज्म के साथ साथ फेडरलिज्म से रिलेटेड सभी डायमेंशन में कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म का आज तक जोड़ना चाहते हैं,
तो फाइनेंस कमीशन का रोल यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथा प्रॉब्लम, चौथा चैलेंज कहना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए, चौथा चैलेंज जो फाइनेंस कमीशन ने फेस किया है ना, वो था दैट इट वाज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फिस्कल रोड मैप है ना फॉर यूनियन एंड स्टेट अमिड शॉर्टफॉल इन द जीएसटी कलेक्शन एंड द पेंडेमिक। ठीक है, तो इनको ये आप देखिए, जब इन्होंने काम शुरू किया तो उस समय है ना, उस समय हमने रिसेंटली कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए थे हमारी इकोनॉमी में। जब भी इकोनॉमी में किसी भी अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो तो उन स्ट्रक्चरल चेंजेस को रिफ्लेक्ट होने में काफी टाइम लगता है ना। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हुए थे, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए कि हम जीएसटी लेकर आए। अब इस तरह के चेंज को रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगेगा। अब ये चीज हो ही रही थी कि दूसरी तरफ से कोविड पेंडेमिक आ गया, कोविड पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया। जब कोविड की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन आया तो ऐसे सिचुएशन में है ना, जब टैक्स कलेक्शन जो है और भी ज्यादा आप एकदम कह सकते हैं कि धाराशाही हो गया है ना, बिल्कुल नीचे चला गया, तो ऐसे सिचुएशन में एक फिस्कल रोड मैप बनाना केंद्र के लिए और राज्यों के लिए काफी डिफिकल्ट 15th फाइनेंस कमीशन के लिए साबित हो रहा था। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि किस प्रकार से 15th फाइनेंस कमीशन ने इन चैलेंजेस को एड्रेस किया। एफसी रिपोर्ट एड्रेस्ड दीज चैलेंजेस है ना, किस प्रकार से फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट ने इन इश्यूज को एड्रेस किया है ना। तो सबसे पहले बात यहां पर करेंगे वर्टिकल डिवोल्यूशन की है ना, वर्टिकल डिवोल्यूशन। देखो दो तरह का डिवोल्यूशन, एक हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन से मेरा तात्पर्य है कि मान लीजिए अगर एक फादर है, लेट अस सपोज एक फादर है, इस फादर के तीन बेटे हैं है ना, या एक डॉटर है और दो सन है, सन वन और सन टू। ठीक है, तो दो तरह के डिवोल्यूशन होंगे यहाँ पर। एक डिवोल्यूशन होगा कि फादर अपने बच्चों के लिए कितने पैसे दे रहे हैं, फादर अपने बच्चों के लिए कितने पैसे दे रहे हैं। तो मान लीजिए फादर ने अपने बच्चों के लिए महीने में है ना 25,000 रुपए अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं हर महीने। ठीक है, तो फादर जो 25,000 दे रहे हैं वो हो गया वर्टिकल डिवोल्यूशन। फादर जो 25,000 रुपए दे रहे हैं 25,000 अ मंथ, ये हो गया वर्टिकल डिवोल्यूशन। ठीक है, और फादर ने 25,000 रुपए दे दिए, पर इस 25,000 रुपए का बंटवारा इन तीनों भाई बहन में कैसे होना है ना, इस 25,000 का बंटवारा कैसे होना है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ केंद्र और राज्य के पर्सपेक्टिव में भी आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो एस्पेक्ट आएगा। केंद्र राज्यों के लिए जो पैसा दे रहा है वो वर्टिकल डिवोल्यूशन हो गया। उस वर्टिकल डिवोल्यूशन के बाद आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, मतलब किस राज्य को उस फंड में से कितना पैसा दिया जा रहा है। ठीक है जी, तो फर्स्ट यहां पर बात क्या है, जो 15th फाइनेंस कमीशन है ना ने क्या रिकमेंड किया, वर्टिकल डिवोल्यूशन एट 41% है ना टू स्टेट्स अगेंस्ट 14th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन ऑफ 42% है ना। 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा था कि केंद्र जो है वो राज्यों को शेयरेबल पूल ऑफ है ना जो टैक्सेस है वहां से 42% रुपये दे है ना, मतलब अगर 100 रुपया केंद्र कलेक्ट कर रहा है ना, तो उसमें से 42 रुपये राज्यों को दे दे। राज्यों को कैसे बंटवारा होना है वो बात की बात है, 42 रुपीज राज्यों को दे दे। पर 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा 42 नहीं, हम कितने देंगे, हम 41 देंगे। पूछा गया भैया ऐसा क्यों, बोला गया कि पहले जितने राज्य थे अब उससे एक राज्य कम है ना, और यूनियन टेरिटरीज दो बढ़ गए हैं। यूनियन टेरिटरीज बढ़ गए मतलब केंद्र के खर्चे बढ़ गए और राज्य जो है वो घट गए हैं। तो इसीलिए चूंकि राज्य घट गए हैं, मान लीजिए अब एक भाई बहन एक डॉटर की शादी हो गई है ना, डॉटर की शादी हो गई, अब इसको पैसे नहीं देने पड़ते। ठीक है, तो इसको पिक्चर से हटा दीजिए, या कोई बेटा जो है वो जॉब करने लगा तो इसको पिक्चर से हटा दीजिए, अब सिर्फ इन दो लोगों को पैसे देने। तो फादर बोलेंगे अब मैं 25,000 नहीं 20,000 दिया करूंगा। उसी प्रकार से फाइनेंस कमीशन ने बोला कि भैया 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो 42 के बदले 41 देगा, 1% जो है वो जम्मू कश्मीर के नाम पर हटा दिया गया कि भैया जम्मू कश्मीर जो था पहले राज्य था, मतलब एक राज्य ज्यादा था, अब राज्य कम है तो पैसा भी कम मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ये वाला पॉइंट, कोई डाउट नहीं किसी को, प्लीज कन्फर्म, एनी डाउट जल्दी बताओ, एनी डाउट, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर, बहुत आसान सा है। और अगर बहुत आसान है और आपको समझ में आ चुका है तो फिर आगे चलते हैं, चलिए जल्दी से आगे चलें, जल्दी से आगे चलें,
समझ में आ रहा है, कोई समस्या नहीं? चलिए जी, हाँ जी, तो पहला एस्पेक्ट तो है आपका वर्टिकल डिवोल्यूशन से रिलेटेड, और सेकंड है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने इफिशियंसी क्राइटेरिया इवॉल्व किया है ना, इफिशियंसी क्राइटेरिया फॉर टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स ऑफ द स्टेट, है ना। टैक्स कलेक्शन के लिए जो एफर्ट्स राज्य लगा रहे हैं, है ना, फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए राज्य जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, उनके बेसिस पर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, है ना। दिस इज एक्सपेक्टेड टू हार्मोनाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ रेवेन्यू नीड्स एंड परफॉर्मेंस, है ना। बोले रेवेन्यू नीड्स और परफॉर्मेंस दोनों को देखते हुए हम पैसे देंगे, है ना। लेट अस सपोज कि मुझे इन तीन बालकों को, है ना, इन तीन बालकों के बीच पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऐसा नहीं कि भैया इसकी जरूरत जो है वो ज्यादा है, सिर्फ इसीलिए उसको ज्यादा पैसे दे दिए। बोले जरूरत तो देखेंगे ही, फिस्कल नीड तो देखेंगे ही, साथ साथ कौन कितना इफिशियंटली पैसा, है ना, यूटिलाइज करता है ये भी देखेंगे। लेट अस से अगर इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना, इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन में अगर S1 जो है वो काफी इफिशियंटली पैसे को यूटिलाइज नहीं करता, है ना, S1 का यूटिलाइजेशन जो है वो इफिशियंट नहीं है, पर S2 का फंड यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है, तो मैं S2 पर ज्यादा फोकस करूंगा एज कम्पेयर टू S1। अब इससे क्या होगा, इससे फिर से राज्यों के बीच ये भावना रहेगी कि उन्हें बेटर परफॉर्म करना है, उनको ज्यादा इफिशियंट बनना है, है ना, सिर्फ ना कि सिर्फ, है ना, ज्यादा रिक्वायरमेंट बता देने कि भैया इतने चाहिए इतने चाहिए, उतने चाहिए अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि केंद्र आपको उतना दे, तो आपको परफॉर्म भी बेटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एस्पेक्ट आ गया। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इट इंट्रोड्यूस्ड इफिशियंसी क्राइटेरिया, है ना, फॉर टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स ऑफ द स्टेट। दिस इज एक्सपेक्टेड टू हार्मोनाइज प्रिंसिपल्स ऑफ रेवेन्यू नीड्स एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है कि 15 फाइनेंस कमीशन ने असाइन किया 12.5% का वेटेज, है ना, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को, आपके यहाँ की जो आबादी है, आपके यहाँ की जो चेंजिंग पॉपुलेशन है, उस आबादी का परफॉर्मेंस कैसा है, इस पर 12.5% वेटेज दिया गया, ठीक है। और इसके द्वारा इट बेसिकली इंसेंटिवाइज्ड द सदर्न स्टेट्स फॉर प्रोग्रेस मेड बाय देम इन द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, सदर्न स्टेट्स के जो डिमांड थे कि भैया उनके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को, है ना, रिकॉग्नाइज किया जाए, उनके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की वजह से जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एनहांसमेंट हुआ है, उस डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एनहांसमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाए, और रिकॉग्नाइज करके फिर रिवॉर्ड भी किया जाए, ठीक है। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने असाइन किया 12.5% वेटेज डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को पहली बार, और इसके द्वारा द इंसेंटिवाइज द सदर्न स्टेट्स फॉर प्रोग्रेस मेड बाय देम इन द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, है ना, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ग्रांट इन एड्स टू द स्टेट, है ना। तो ग्रांट इन एड, है ना, मतलब मदद के लिए जो राज्यों को पैसे दिए जा रहे हैं या रुपये दिए जा रहे हैं, तो उनसे संबंधित, है ना, ग्रांट इन एड, एड मतलब मदद, ठीक है। तो रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट इन एड्स टू द स्टेट, ठीक है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहां तक बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बिल्कुल स्प्राइट क्लियर है, स्प्राइट क्लियर है। चलिए, तो ग्रांट एलोकेशन विल बी बेस्ड ऑन बिलो 5 कैटेगरीज, है ना, 5 कैटेगरीज पर बेस्ड होगा। कौन कौन से कैटेगरी है भैया? सबसे पहला है आपका रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, वेरी फर्स्ट वन इज रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। सेकंड इज ग्रांट फॉर लोकल गवर्नमेंट, है ना, ग्रांट फॉर लोकल गवर्नमेंट। थर्ड इज ग्रांट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, और चौथा है सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, पांचवा है स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स, ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट एंड पांचवा है स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे ग्रांट्स की, तो ग्रांट किन किन कैटेगरीज में दिए जाएंगे, रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब जिस राज्य के रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा हो उसके हिसाब से, है ना, लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से, डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, और सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स और स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स की बात की जाएगी, है ना।
केंद्र जो है ना, केंद्र ने अपने एक्शन टेकन रिपोर्ट में है ना एक्सेप्ट कर लिया है सारे ग्रांट को, है ना, एक्सेप्ट सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट। इसके अलावा है ना, इसके अलावा केंद्र ने सारे ग्रांट्स को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट की वैल्यू कितनी थी, 1,29,000 करोड़, ठीक है। चलिए, तो इसको यहां पर केंद्र ने एक्सेप्ट नहीं किया। और दूसरा जिसको एक्सेप्ट नहीं किया है वो है आपका सेक्टर स्पेसिफिक के बाद स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट, है ना। तो स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इसका वैल्यू कितना था, 49,599 करोड़। इन दोनों ग्रांट कैटेगरीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया, बाकियों को केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो कमीशन ऑल्सो टास्क्ड टू एग्जामिन वेदर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट शुड बी प्रोवाइडेड एट ऑल टू द स्टेट्स, है ना। सम स्टेट्स आर्ग्यूड दैट प्रोवाइडिंग अ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट विल डिसइंसेंटिवाइज टैक्स एफर्ट्स एंड प्रूडेंस इन द एक्सपेंडिचर, है ना। तो कमीशन को यह भी काम दिया गया था कि रेवेन्यू डेफिसिट, अगर किसी राज्य का रेवेन्यू डेफिसिट रह रहा है तो उसके लिए ग्रांट देना चाहिए या नहीं चाहिए। अब काफी सारे लोगों ने बोला कि भैया अगर रेवेन्यू डेफिसिट के लिए ग्रांट्स दिया जाएगा राज्यों को तो इससे डिसइंसेंटिवाइजेशन होगा। बोले किस प्रकार का डिसइंसेंटिवाइजेशन होगा, तो बोले जो राज्य अच्छा कर रहे हैं वो तो ठीक है ना, पर जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उनको तो लगेगा कोई बात नहीं, भैया रेवेन्यू डेफिसिट हो गया तो हमें ग्रांट मिल जाएगा, तो वाई विल दे पुट एफर्ट, है ना, वो कोशिश क्यों करेंगे कि और ज्यादा बेहतर किया जा सके, है ना। तो ये बात है भाई, समझ में आ गया ये पॉइंट। चलिए, हाउएवर द फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स ऑफ द रुपीज 2 लाख, है ना, 94,514 करोड़ 2021 से 2026 के बीच में, है ना। इट विल हेल्प फिस्कली स्ट्रेस्ड, है ना, जो राज्यों पर जो आपके ही प्रेशर पड़ा है कोविड की वजह से, कोविड पेंडेमिक की वजह से, केरला, पंजाब, वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों पर, उनको हेल्प करेगा ऐसा मानना है, ठीक है जी। तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट रहने वाला है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट यहाँ पर फाइनेंस कमीशन रख रहा है, ठीक है। अब अगला जो आस्पेक्ट है वो है कि वॉट आर द चेंजेस ब्रॉट बाय 15th फाइनेंस कमीशन रिगार्डिंग ग्रांट टू लोकल गवर्नमेंट्स, है ना। लोकल गवर्नमेंट के ग्रांट से संबंधित क्या चेंजेस हैं, है ना, व्हाट ऑल आर द चेंजेस, आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि 15th फाइनेंस कमीशन हैज प्रिस्क्राइब्ड फॉलोइंग कंडीशंस, है ना, फॉलोइंग कंडीशंस टू लोकल बॉडीज टू गेट एक्सेस टू द ग्रांट। अगर लोकल बॉडीज को ग्रांट चाहिए तो इन कंडीशंस को मीट करना पड़ेगा। बोला कि कई राज्यों में स्टेट फाइनेंस कमीशन या तो सेटअप नहीं किए गए या प्रॉपर फंक्शन नहीं है। तो बोला स्टेट फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए राज्यों में, टाइमली ऑडिटिंग होनी चाहिए और ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए अकाउंट्स की रूरल लोकल बॉडीज की, है ना। बोले ऐसे नहीं कि बस फंड मिल गया और फिर आप मौजा ही मौजा करते रहे। बोले फंड मिल गया तो फंड का क्या होना चाहिए, फंड का टाइमली ऑडिटिंग भी होना चाहिए। आपका फंड, आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा अकाउंट जो है ना ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए, पूरा अकाउंट जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए, है ना। आप खर्चा करना चाहते हैं तो आपको एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को भी फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा आपको पैसे मिलना मुश्किल हो जाएंगे। नोटिफाइंग कंसिस्टेंट ग्रोथ, है ना, नोटिफाइंग कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट फॉर प्रॉपर्टी टैक्स रिवेन्यू, है ना, फॉर अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। तो नोटिफाई करना पड़ेगा ग्रोथ रेट प्रॉपर्टी टैक्स रिवेन्यू में अर्बन लोकल बॉडीज को। तो दोनों पर यहाँ पर जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, रूरल लोकल बॉडीज पर भी, मतलब जो रूरल आपके पंचायत वगैरह हैं, और जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज हैं उन पे भी, ठीक है। कंफर्टेबल सर, कंफर्टेबल, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं यहाँ तक? अगर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो फिर चलिए आगे चलते हैं। थर्ड, फर्स्ट टाइम के लिए फाइनेंस कमीशन रिकमेंड्स 8,000 करोड़, है ना, टू द स्टेट्स फॉर इनक्यूबेशन ऑफ 8 new cities, हाँ, तो 8 नई सिटीज का इनक्यूबेशन किया गया है और इसके लिए 8,000 करोड़ का ग्रांट, है ना, फाइनेंस कमीशन से मिल रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर अर्बन ग्रांट्स टू 1,000,000+ cities फॉर इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी टू मीट बेंचमार्क ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन, है ना।
तो तीन चीजों पर यहाँ पर फोकस किया गया है, और उसके लिए ऐसे शहर जिनकी आबादी कितनी है ना, मिलियन प्लस है, 1 मिलियन से 1 मिलियन प्लस सिटीज के लिए, 1 मिलियन प्लस सिटीज के लिए तीन चीजों की पर ध्यान देना है ना। पहला, एयर क्वालिटी पर, एयर क्वालिटी पर, ठीक है। दूसरा किस चीज पर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर। और तीसरा किस चीज पर, एयर क्वालिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन, ठीक है। अल्टीमेटली इससे क्या इंश्योर करना चाहते हैं, क्लीन एनवायरमेंट और गुड पब्लिक हेल्थ, एक क्लीन एनवायरमेंट और गुड पब्लिक हेल्थ। तो क्लीन एनवायरमेंट और गुड पब्लिक हेल्थ के लिए ये सारी है ना, ये सारी चीजों पर फोकस दिया गया है। फोर्थ, द लैंडमार्क रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन इज द हेल्थ ग्रांट ऑफ रुपीज 70,000 करोर थ्रू लोकल बॉडीज, है ना। लोकल बॉडीज के माध्यम से हेल्थ ग्रांट, मतलब लोकल बॉडीज के माध्यम से हेल्थ ग्रांट पर अगर फोकस कर रहे हैं तो यहां पर की फोकस किस पर होगा, प्राइमरी हेल्थ पर, है ना। की हेल्थ फोकस किस पर होगा, प्राइमरी हेल्थ पर, ठीक है, समझ गए। तो दिस विल हेल्प, है ना, दिस विल हेल्प किस चीज में, टू एड्रेस गैप्स इन प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में जिस भी प्रकार की आधारभूत संरचनाओं की जरूरत है, उन आधारभूत संरचनाओं को मीट करने में ये फंड हेल्प करेगा, ठीक है भैया। यहां तक की कहानी समझ में आ गई, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई बात यहां तक की। चलिए, 15th फाइनेंस कमीशन ने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या कहा, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा, ये भी समझना पड़ेगा। तो सेटिंग अप द स्टेट एंड नेशनल डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन फंड, है ना, फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि राज्य के स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर डिजास्टर मैनेजमेंट, हाँ सॉरी, डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन फंड बनाए जाएं, है ना, इन लाइन विद द प्रोविजंस ऑफ द डीएम एक्ट। तो जो डीएम एक्ट है 2005 का, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, उस एक्ट के तहत डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन फंड, है ना, डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन फंड केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर बनाया जाए, ठीक है। ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, पहली बार इट इंट्रोड्यूस 10-25%, है ना, ग्रेडेड कॉस्ट शेयरिंग बाय द स्टेट्स फॉर द एनडीआरएफ एंड एनडीएमएफ, है ना, दो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टेट्स। तो पहली बार इन्होंने कहा कि 10-25% ग्रेडेड कॉस्ट शेयरिंग होगा, मतलब राज्यों को भी कॉस्ट शेयर करना पड़ेगा, पर इस बात को अभी राज्यों ने स्वीकार नहीं किया है, नकार दिया, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं कि फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन टू स्ट्रेंथन डिफेंस सेक्टर। मैंने आपको कहा अभी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसका डिफेंस सेक्टर पर काफी ज्यादा जोर रहा है ना, डिफेंस सेक्टर के पे काफी ज्यादा जोर रहा है, डिफेंस एक्सपेंडिचर भी पिछले कुछ समय में काफी हमने बढ़ाया है, है ना। तो डिफेंस सेक्टर पर जो जोर है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया टू सेट अप अ डेडिकेटेड नॉन लैप्सेबल फंड, एक डेडिकेटेड नॉन लैप्सेबल फंड डिफेंस सेक्टर के लिए जो कभी भी खत्म ही ना हो, है ना, और मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, अलग से एक क्या बनाया जाए, मॉडर्नाइजेशन फंड, है ना, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन इज द डिमांड ऑफ द टाइम। जब हम एक ऐसे टाइम में है जब हमारे साथ चाइना का कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, पाकिस्तान तो एक कंटिन्यूस थ्रेट है ही, इंडियन ओशन रीजन में भी हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में है, तो ऐसे टाइम पे हमारे डिफेंस सेक्टर का मॉडर्नाइजेशन जो है वो एक की फोकस एरिया रहेगा, और मॉडर्नाइजेशन फंड इसीलिए यहाँ पर बात की जा रही है, मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, है ना, 2021-26 के बीच के लिए इस प्रकार का फंड बनाया जाए, ठीक है। तो ये फंड जो है, दिस विल ब्रिज द फंड विल ब्रिज द गैप बिटवीन द प्रोजेक्टेड बजटरी रिक्वायरमेंट्स एंड द बजट एलोकेशन फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो फंड का काम क्या होगा कि मान लीजिए रिक्वायरमेंट है आपको 10 रुपए की, आपको जरूरत है 10 रुपीज की, पर आपको मैं दे पा रहा हूं 5 रुपीज या 6 रुपीज, ठीक है। तो जो 4 या 5 रुपए बच गए जिनकी आपको और जरूरत है, है ना, जो गैप है उस गैप को फुलफिल करेगा ये फंड, है ना, दिस फंड इज गोइंग टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर गैप। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड ग्रेटर
प्रेडिक्टेबिलिटी टू क्रिटिकल डिफेंस रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। हमेशा बजट के सहारे नहीं बैठे रहना पड़ेगा, यहाँ पर ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी होगी कि भैया इतने पैसे हैं तो इस हिसाब से हम यहाँ यहाँ पर खर्च कर सकते हैं, इन इन चीजों पर खर्च कर सकते हैं, है ना। तो इट हैज रिकमेंडेड द फॉलोइंग फोर स्पेसिफिक सोर्सेज, है ना, चार स्पेसिफिक सोर्सेज यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है, वेयर द फंड्स ऑफ डिफेंस कैन बी सोर्स्ड। कहाँ से पैसे आएंगे डिफेंस फंड्स के लिए, पैसे कहाँ से आएंगे? तो बोले ट्रांसफर्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो CFI है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहां से ट्रांसफर होगा। जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, DPSEs, उनके डिसइन्वेस्टमेंट से, उनमें सरकार का जो स्टेक है, जो शेयर है सरकार, वो बेचे, वहां से पैसा लाए। एंड प्रोसीड्स फ्रॉम मोनेटाइजेशन ऑफ सरप्लस डिफेंस लैंड, है ना, डिफेंस के पास, है ना, हमारे यहाँ डिफेंस के पास, इनफैक्ट डिफेंस और रेलवे दो ऐसे मंत्रालय हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, है ना, तो जो सरप्लस लैंड है जिसकी जरूरत नहीं है उनको सेल किया जाए और उनसे जो पैसा आएगा उसको यूज करना, ठीक है। प्रोसीड्स ऑफ रिसीट्स फ्रॉम डिफेंस लैंड्स व्हिच इज लाइकली टू बी ट्रांसफर्ड टू स्टेट गवर्नमेंट, है ना, तो ऐसे लैंड जो कि आने वाले समय में राज्य सरकारों को ट्रांसफर कर दिए जाने हैं, उनसे राज्य सरकारों से पैसे वसूले जाए और उसको डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में लगाया जाए। फर्दर मोर इट ऑल्सो रिकमेंड्स एलोकेशन ऑफ ₹1,000 crore पर एनम फॉर द वेलफेयर ऑफ फैमिलीज ऑफ द डिफेंस एंड CAPF पर्सनल हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ इन द फ्रंटलाइन ड्यूटीज। तो ऐसे डिफेंस पर्सनल, ऐसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के पर्सनल जो अपनी जीवन को, है ना, त्याग देते हैं भारत की सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए, भारत की संप्रभुता को मेंटेन करने के लिए, उनके परिवारों के लिए भी 1,000 crore, है ना, पर एनम का फंड यहाँ पर ग्रांट किया जा रहा है, ठीक है जी। तो काफी इंपॉर्टेंट था ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को। अगर आई होप कि आप लोगों ने नोट्स बना लिया होगा, नहीं भी बनाया हो तो मैं PDF शेयर करूंगा, वो PDF भी आपके काफी काम आएगा, है ना, द PDF विल बी क्वाइट यूजफुल फॉर यू, ठीक है। तो डू यूज द PDF, PDF को यूज जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। चले आगे, कंफर्टेबल है यहाँ तक। अगला अपडेट है हमारा वैक्सीन हेजिटेंसी, है ना, वैक्सीन हेजिटेंसी। तो वैक्सीन हेजिटेंसी क्या है समझना पड़ेगा कि वॉट इज दिस वैक्सीन हेजिटेंसी, कहाँ से आया ये टर्म हेजिटेंसी, है ना, फ्रॉम वेयर डिड दिस टर्म केम हेजिटेंसी। तो वैक्सीन हेजिटेंसी इज डिफाइंड एज रिलक्टेंस और रिफ्यूजल टू वैक्सीन। अरे नहीं यार, आप पूछेंगे अपने चार दोस्तों से वैक्सीन लगवाओगे, यार छोड़ देते हैं, सुनने में आ रहा है बड़ा साइड इफेक्ट है, ठीक है नहीं है, ऐसा करते हैं यार रहने देते हैं, है ना। तो दिस इज वॉट यू कॉल एज वैक्सीन हेजिटेंसी, इसी को आप बोलते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी, कि वैक्सीन की सर्विसेज अवेलेबल हैं पर फिर भी आप सोच रहे हैं लगवाएं या ना लगवाएं, हेजिटेट कर रहे हैं। पर आखिर क्यों हेजिटेट कर रहे हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैज लेड टू वैक्सीन हेजिटेंसी, ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो जो COVID-19 वैक्सीन के चारों तरफ जो डिबेट्स हैं, है ना, जो डिबेट्स उत्पन्न हो गई हैं, फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी से रिलेटेड जो कंसर्न है कि क्या ये सेफ है या नहीं है, साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, एफिकेसी कि कितना काम करेगा, कितना कारगर साबित होगा, साइड इफेक्ट्स, है ना, ड्यू टू रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइमलाइंस ऑफ द वैक्सीन, भैया इतनी जल्दी जल्दी में डेवलप किया गया तो क्या ये उचित होगा, है ना। तो एक सबसे पहला कंसर्न तो हमारा ये है कि इतनी जल्दी जल्दी में किया गया है तो ठीक होगा या नहीं होगा पता नहीं, तो इसीलिए हमें थोड़ा डाउट लग रहा है कि हमें लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। दूसरा फैक्टर क्या है यहाँ पर, दूसरा फैक्टर है कि काफी सारे कंपनीज के बीच में कॉम्पिटिशन है और कॉम्पिटिशन की वजह से ये गेम जो है बड़ा डर्टी सा हो रहा है, काफी सारा मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ रिलीजियस टैबोज भी हैं, वो तो इंडिया में हर जगह होते हैं, ठीक है। अ स्टार ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अराउंड COVID-19 वैक्सीन, तो काफी प्रकार के, नाना प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारियां, फेक न्यूज जो है वैक्सीन से संबंधित सोशल मीडिया वगैरह पर प्रिवेल कर रहा है काफी समय से, तो ये भी एक कारण बना है वैक्सीन हेजिटेंसी के लिए। एंड ससेप्टेबल ऑफ पीपल टू मिस इन्फॉर्मेशन ड्यू टू एग्जिस्टिंग बायसनेस, है ना, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एंड लिमिटेड अटेंशन स्पैन्स, ठीक है, तो लोग लंबे समय के लिए तो ध्यान देते नहीं, अच्छा ऐसा है, ठीक है ठीक है छोड़ दो, तो लंबे समय के लिए लोगों ने ध्यान दिया ही नहीं, कि फिर बाद में उस पर गवर्नमेंट ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया, दवाई मैन्युफैक्चरर ने कुछ क्लैरिफिकेशन दी, लोगों का ना मतलब बस छोटा सा अच्छा ऐसा है ठीक है नहीं लेंगे, तो बस ये चक्कर रह जाता है यहाँ पर। तो इन वजहों की वजह से, इन कारणों की वजह से कहीं ना कहीं
लोग हेजिटेट कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने में, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, टारगेट ऑडियंस मस्ट बी, है ना, द स्विंग पॉपुलेशन, दैट इज पीपल हु आर स्केप्टिकल बट कैन बी परसुएडेड थ्रू साइंटिफिक फैक्ट्स एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन, है ना, साइंटिफिक फैक्ट और प्रॉपर कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाई जाए, है ना, और फिर उनको परसुएड किया जाए। सेलिब्रिटी इफेक्ट, अब इंडिया में आपको स्वच्छ भारत अभियान चलाना था तब भी हमें अमिताभ बच्चन को लेकर आना पड़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाना था तब विद्या बालन को लेकर आना पड़ा, तो इंडिया में भैया सेलिब्रिटी की बात बड़ा मानते हैं लोग, है ना। तो एबिलिटी ऑफ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू टेक, है ना, वैक्सीन, अमिताभ बच्चन साहब बैठ के इंजेक्शन लगवा रहे हो, बोलो भैया देखो हम तो लगवा लिए तुम भी लगवा लो, ऐश्वर्या राय उधर लगवा रही हो, है ना, इधर आपकी आजकल कौन चल रही है, वो क्या नाम है, दिशा पटानी, वो एकदम पोज देते हुए, है ना, वैक्सीन लगवा ले, ठीक है, बस फिर तुम लोग सारे लोग लगवा लोगे, दिशा पटानी ने लगवा लिया मतलब फिर इंडिया के जितने यंगस्टर्स हैं सब लगवा लेंगे, पकड़ पकड़ के, दिशा पटानी एक बार बोल दे कि सबको वैक्सीन लगवाना है, बस तो चलो तुम लोग पकड़ पकड़ के लोगों को घर से लेकर आ रहे हो, दिशा पटानी ने बोला है, है ना, नेहा शर्मा बोल दे, दिशा पटानी बोल दे, बस फिर हो गया काम। सेलिब्रिटीज कैन सर्व एज एजेंट्स ऑफ पॉजिटिव सोशल चेंज, इरेजिंग स्केप्टिज्म एसोसिएटेड विथ वैक्सीन एडॉप्टेशन एंड प्रमोटिंग इंफॉर्मेशन सीकिंग एंड प्रिवेंटिव बिहेवियर्स, ठीक है, तो प्रिवेंटिव बिहेवियर प्रमोट करेंगे सेलिब्रिटीज, है ना, दिशा पटानी बोलेंगी कि भैया वैक्सीन लगवाओ और फिर तुम लोग तुरंत फटाफट से शुरू हो जाओगे, ठीक है, फटाफट से शुरू हो जाओगे, ठीक है बॉस, समझ गए, कंफर्टेबल, चलिए। तो फैक्ट चेक एनी न्यूज रिलेटेड टू COVID-19 वैक्सीन, आप कुछ भी न्यूज सुनते हैं COVID-19 वैक्सीन के बारे में, अच्छा है बुरा है, तो उसका फैक्ट चेक भी आपको करना चाहिए, बैकग्राउंड चेक भी आपको करना चाहिए, है ना। द इन्फोडेमिक अराउंड वैक्सीन्स कैन बी टैकल्ड ओनली बाय एक्टिवली डिबंकिंग मिथ्स, है ना, मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज ऑन COVID-19 वैक्सीन, ठीक है जी, समझ में आ गई सारी बातें, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा हाइड्रोजन, है ना, एज फ्यूल, तो इस बार के बजट में हाइड्रोजन फ्यूल पर काफी जोर दिया गया है, और इनफैक्ट पिछले कुछ वर्षों में US भी, काफी सारे देश हैं वैसे तो, पर US ने भी काफी जोर डाला है हाइड्रोजन फ्यूल पर। ये हाइड्रोजन फ्यूल को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, क्या एडवांटेज है हाइड्रोजन फ्यूल को, मतलब हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज करने का, और क्या डिसएडवांटेज है हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज करने का, है ना। तो बजट 2021-22 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड नेशनल हाइड्रोजन मिशन, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अनाउंस किया है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन अनाउंस किया है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, है ना। ये मिशन का एम क्या है, एट जनरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर सोर्सेज, हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर सोर्सेज एंड यूजिंग इट एज फ्यूल, ग्रीन पावर सोर्सेज से हाइड्रोजन जनरेट करना है और उसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाना है, उपयोग में लाना है। पहले जानते हैं हाइड्रोजन के बारे में, फिर देखेंगे हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज। हाइड्रोजन जो है वो एक केमिकल एलिमेंट है, सिंबल है H, एटॉमिक नंबर क्या है आपको पता ही है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट एंड द इन द पीरियोडिक टेबल, मोर ओवर इट इज द मोस्ट एबंडेंट केमिकल सब्सटेंस इन द यूनिवर्स, है ना, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अगर कुछ कोई केमिकल एलिमेंट, कोई केमिकल सब्सटेंस मिलता है तो वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन लाइटेस्ट है, ये तो आपको पता ही है। चलिए, हाउएवर द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द नेचर इज नॉट अवेलेबल फ्रीली, है ना, हाइड्रोजन हमारे यहाँ मतलब पृथ्वी के का जो हमारा जो एनवायरमेंट, हमारा जो नेचर है, यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल नहीं है। हाइड्रोजन हमेशा कॉम्बिनेशन में ही आपको देखने को मिलेगा बाकी के एलिमेंट्स के साथ, है ना, दस इट हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड, है ना, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है आपको नेचुरल कंपाउंड से, जैसे कि वाटर से, है ना, वाटर विच इज H2O, जहां पर दो एटम्स, है ना, एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स है हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन जो है वो काफी एबंडेंस में अवेलेबल है, पर दिक्कत क्या है, विडंबना क्या है कि हाइड्रोजन आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं होता हमारे नेचर में, एनवायरमेंट में, तो हमें हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है हाइड्रोजन बेस्ड कंपाउंड से, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज करैक्टराइज्ड बाय कलर ट्रैप्स, है ना, बेस्ड ऑन इट्स सोर्स, वी कैन डिवाइड इट इंटू ग्रे हाइड्रोजन, जो कि कहां से मिलता है हमें, फॉसिल फ्यूल से, ब्लू हाइड्रोजन, जो कि कहां से मिलता है हमें, फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स विथ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि हमें मिलता है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वही हमारा फोकस्ड है मेनली,
जो हम फोकस कर रहे हैं, गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट अपने मिशन में जहां फोकस कर रही है वो किस चीज पर फोकस है, ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस है। मतलब जो हाइड्रोजन कहां से आता है, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से आता है ना, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से आने वाले हाइड्रोजन पर ही की फोकस गवर्नमेंट का यहां पर है। ठीक है, आइए अब देखते हैं हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, है ना, हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में जरा देखते हैं और फिर देखेंगे इसके क्या एडवांटेज है वो भी और क्या डिसएडवांटेज है ये भी। हाइड्रोजन एक अल्टरनेटिव माना जा रहा है फॉसिल फ्यूल का और अदर टाइप ऑफ फ्यूल्स का, है ना। हाउएवर हाइड्रोजन जो है वो कैरियर है एनर्जी का, नॉट अ सोर्स ऑफ इट, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हाइड्रोजन इज अ कैरियर ऑफ एनर्जी एंड नॉट अ सोर्स ऑफ इट। ठीक है, तो फ्यूल सेल्स है ना आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म हाइड्रोजन इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज इट, है ना। ये कैरियर है, सोर्स तो है नहीं, तो चूंकि ये कैरियर है तो फ्यूल सेल को पहले क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और फिर यूज करना पड़ेगा। सेल्स यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थ्रू एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली यहां पर क्या करना है, हाइड्रोजन सेल्स में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, है ना। हाइड्रोजन के केस में फ्यूल सेल्स कंबाइन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। एक कैटलिस्ट यूजुअली मेड फ्रॉम प्लैटिनम इज यूज्ड, है ना, प्लैटिनम बेस्ड कैटलिस्ट यहां पर उपयोग में लाया जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल का एडवांटेज क्या है, तो भैया इसकी अवेलेबिलिटी जो है ना वो काफी मस्त है, वो काफी जबरदस्त है, रेडीली अवेलेबल है ना, क्योंकि बेसिक अर्थ एलिमेंट है और खूब प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में उपलब्ध है ना। किसी भी प्रकार का हार्मफुल इमिशन यहां पर प्रोड्यूस नहीं होता, ये भी बढ़िया बात है। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। फ्यूल इफिशियंसी भी जबरदस्त है इसकी, है ना, अगर आप डीजल से कंपेयर करें, गैस से कंपेयर करें, है ना, और काफी ज्यादा इफिशियंट होने के कारण, काफी ज्यादा इफिशियंट होने के कारण ये काफी अट्रैक्टिव फ्यूल भी है, है ना। मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर वगैरह है, जो भी एनर्जी इंसेंटिव इंटेंसिव सेक्टर है, उनके लिए काफी अट्रैक्टिव फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन जो है वो बनकर उभर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया कि डिसएडवांटेज क्या है, है ना, व्हाट ऑल आर डिसएडवांटेज। तो भैया अगर आप डिसएडवांटेज की बात करें, है ना, डिसएडवांटेज की बात करें तो भैया वाइडली अवेलेबल तो है, फिर भी हमने आपको बताया कि इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है कंपाउंड से। चूंकि इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है तो काफी महंगा पड़ता है, है ना, काफी कॉस्टली अफेयर है ये, दिस इज अ कॉस्टली अफेयर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि स्टोरेज जो है वो काफी डिफिकल्ट है ना, द स्टोरेज इज क्वाइट डिफिकल्ट, हाइड्रोजन इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर, इट्स ट्रांसपोर्टेशन इवन इन स्मॉल अमाउंट्स इज वेरी एक्सपेंसिव, इसका ट्रांसपोर्टेशन स्मॉल अमाउंट्स में भी काफी एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, चलिए, तो नॉट ईजी टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस करना भी आसान नहीं है। देयर इज नॉट मच इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन सपोर्ट हाइड्रोजन एज फ्यूल, है ना, हाइड्रोजन को बिल्कुल एक फुल फ्लेज्ड यूज में ले आए हम, डीजल वीजल हटा दे, ऐसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेडी नहीं है। जो कार्स हैं उनमें भी हमें रिफिट करवाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एकोमोडेट हाइड्रोजन एज फ्यूल। ठीक है, तो उसमें भी हमें चेंजेस करवाने पड़ेंगे, तो वी आर बेसिकली नॉट वेरी मच रेडी फॉर इट। हाईली इनफ्लेमेबल, है ना, काफी पावरफुल सोर्स है ये फ्यूल का, हाइड्रोजन कैन बी वेरी फ्लेमेबल, हाइड्रोजन गैस बर्न्स इन एयर एट वेरी वाइड कंसेंट्रेशन बिटवीन 4% to 75%, है ना, मतलब हमेशा बचा बचा कर रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप, है ना, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, MSDE, है ना, MSDE ने रोल आउट किया है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम। MSDE ने क्या निकाला है, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम अंडर संकल्प स्कीम। किस स्कीम के तहत है ये, संकल्प स्कीम के तहत है। दिस विल स्ट्रेंथन डिस्ट्रिक्ट स्किल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज, तो जिला स्तरीय क्या स्किल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, और स्किल कमिटीज को स्ट्रेंथन करेगा, है ना। तो ये दरअसल 2 साल का एकेडमिक प्रोग्राम रहने वाला है, 2 ईयर एकेडमिक प्रोग्राम। ठीक है, एम्स टू एड्रेस चैलेंज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एट नेशनल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना।
हम अलग अलग लेवल्स पर जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलाना चाहते हैं उनके लिए लोगों की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, पर्सनल की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, तो उसके लिए ही 2 ईयर्स का ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, सो दैट ये शॉर्टफॉल की समस्या जो है सॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो इस जो फेलोशिप का प्रोग्राम है इसमें जो फेलोज होंगे है ना, दे विल बी ट्रेन टू अंडरस्टैंड ओवरऑल स्किल इकोसिस्टम, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक मतलब प्लम्बिंग से रिलेटेड बात या इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड बात, ओवरऑल जो हमारा स्किल इकोसिस्टम है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी यहाँ पर, है ना। दे विल अटैच टू DSCs, है ना, डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज। DSC क्या है? डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज, डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटी, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटी से अटैच कर दिया जाएगा, है ना, टू मैनेज द स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इट विल प्रोवाइड देम विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑन द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो IIM बेंगलोर का सेंटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी CPP जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड सिटीजन ऑफ इंडिया इन द एज ग्रुप ऑफ 21 to 30, है ना, 21 ईयर से 30 ईयर्स के बीच के होने चाहिए और इंडियन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए, नहीं मतलब इंडियन होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया संकल्प प्रोग्राम के अंदर, है ना। तो संकल्प क्या है, आइए ये भी देख लेते हैं। व्हाट इज दिस संकल्प? संकल्प इज स्किल एक्विजिशन। संकल्प क्या है? स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस, है ना, फॉर लिवलीहुड स्कीम। ठीक है, तो संकल्प एक प्रकार का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब राज्य और केंद्र दोनों पैसे देंगे इसमें। ड्यूरेशन क्या है? 2018 में लॉन्च किया गया था, 2023 तक के लिए है, मतलब 5 साल का ड्यूरेशन है, है ना। आउटकम ओरिएंटेड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर। वर्ल्ड बैंक जो है वो यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वर्ल्ड बैंक जो है एक पार्टनर है। एम क्या है? टू इम्प्रूव शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग, है ना, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, है ना, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के टर्म्स में, है ना, थ्रू स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस, जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। मोरओवर इट विल ब्रिंग बेटर मार्केट कनेक्टिविटी एंड इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, स्कीम किस चीज पर एम कर रहा है? टू इंप्लीमेंट मैंडेट ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। आउटकम इन द स्कीम इज मेजर्ड थ्रू रिजल्ट्स फ्रेमवर्क। ठीक है जी, चलिए तो ये बात हो गई हमारी संकल्प स्कीम की, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड संकल्प स्कीम जो हम वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप में चला रहे। अगला अपडेट है हमारा पेयजल सर्वेक्षण, है ना। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ जिसको आप कहते हैं, है ना, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको चला रहा है, पायलट पेयजल सर्वेक्षण, है ना। तो पेयजल मतलब ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर का सर्वे है ये, 10 सिटीज में लॉन्च किया गया है जल जीवन मिशन अर्बन के तहत। आपको पता है जल जीवन मिशन के 2 कंपोनेंट है, रूरल और अर्बन, तो अर्बन के तहत लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री कौन सा है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि महुआ। पर्पस क्या है? असर्टेन द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर इन टारगेट सिटीज, है ना। मोरओवर इट विल मैप वाटर बॉडीज विथ रेस्पेक्ट टू क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ वाटर, है ना। वाटर बॉडीज की मैपिंग होगी, वहां पर क्वान्टिटी कितना अवेलेबल है वाटर उस दृष्टि से और क्वालिटी की दृष्टि से। कवरेज की अगर बात करूं तो दिस विल कवर 10 सिटीज, आगरा है, बदलापुर है, भुवनेश्वर है, चूरू है, कोची है, मदुरई है, पटियाला है, रोहतक है, ठीक है। तो ये सारे सिटीज यहां पर कवर हो रहे हैं, ठीक है। द सर्वे विल बी मॉनिटर्ड थ्रू टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से मॉनिटर किया जाएगा। दिस प्लेटफॉर्म विल मॉनिटर बेनिफिशियरी रिस्पॉन्सेस, है ना, बेनिफिशियरी रिस्पॉन्सेस को मॉनिटर करेगा। अथॉरिटीज विल कलेक्ट डाटा थ्रू वेरियस मेथड्स, फेस टू फेस इंटरव्यूज विद सिटीजन्स एंड म्युनिसिपल ऑफिशियल्स, ऑन कॉल इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीकों से सिटीजन्स से, म्युनिसिपल ऑफिशियल्स से, उनसे डाटा कलेक्शन का काम किया जाएगा। और बेस्ड ऑन दिस लर्निंग ऑफ द पायलट सर्वे, जो पायलट सर्वे यहाँ पर है उसके लर्निंग के बेसिस पे इट विल एक्सरसाइज एक्सटेंड टू ऑल अमृत सिटीज, है ना। जितने भी शहर में अमृत मिशन लागू होगा उन सभी सिटीज में ये पेयजल सर्वेक्षण को एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। वो समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हट जा रहा हूँ मैं बीच में, स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है आपके लिए, बाकी मैं PDF भी वैसे शेयर कर दूंगा अभी, है ना। चलिए अगला है हमारा लास्ट जो आज का अपडेट है वो है PLI फॉर टेलीकॉम सेक्टर,
है ना। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई स्कीम टेलीकॉम सेक्टर के लिए, ठीक है। तो एम क्या है, उद्देश्य क्या है, इट विल मेक इंडिया ग्लोबल हब, भारत को हम ग्लोबल हब बनाना चाह रहे हैं टेलीकॉम इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, जिसमें इंडिया अभी प्रेजेंटली बहुत पीछे है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, ठीक है। इट विल क्रिएट जॉब्स एंड रिड्यूस इम्पोर्ट स्पेशली फ्रॉम चाइना। तो टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं मेनली सबके सब हम चाइना से ही इम्पोर्ट करवाते हैं, तो चाइना पर जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। इस स्कीम का फोकस कहाँ है, तो स्कीम विल ऑफसेट ह्यूज इम्पोर्ट ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट वर्थ मोर देन 50,000 crore, है ना। बाय दैट इट विल एनकरेज द फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स टू सेट अप प्रोडक्शन यूनिट इन इंडिया, है ना, भारत में प्रोडक्शन यूनिट लगाने के लिए एनकरेज करेंगे, ठीक है। पीएलआई कवरेज क्या है, द स्कीम विल कवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट्स एज कोर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, 4G, 5G एंड नेक्स्ट जनरेशन रेडियो एक्सेस नेटवर्क एंड वायरलेस इक्विपमेंट्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT एक्सेस डिवाइसेस, है ना, एंटरप्राइज इक्विपमेंट सच एज स्विचेस एंड राउटर्स। ड्यूरेशन क्या है इस स्कीम का, द स्कीम विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम April 1 एंड विल रन फॉर द नेक्स्ट 5 years, है ना, अगले 5 सालों के लिए रहेगा। एलिजिबिलिटी क्या है स्कीम के लिए, अचीविंग अ मिनिमम थ्रेशहोल्ड फॉर कुमुलेटिव इन्वेस्टमेंट इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स विद 2019-20 एज द बेस ईयर, ठीक है भाई। इंसेंटिव्स क्या मिलने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इंक्लूजन ऑफ MSMEs इन द स्कीम, है ना, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशहोल्ड हैज बीन केप्ट एज 10 crore व्हाइल फॉर अदर इट इज 100 crore, है ना। MSME के लिए क्या यहाँ पर रखा गया है, 10 crore का मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फर्दर फॉर MSMEs इट प्रपोजेज 1% हायर इंसेंटिव इन द फर्स्ट 3 years, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए इंसेंटिव 1% ज्यादा दिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा PLI स्कीम फॉर टेलीकॉम सेक्टर। चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, वी विल मीट अगेन एट 10 AM फॉर द टेस्ट, होमवर्क जो दिया था उसका टेस्ट 10 AM पे होगा आपका। और दिस इज द टेलीग्राम चैनल, दिस इज द शेड्यूल फॉर टुडेज क्लासेस, है ना, दिस 10 AM सेशन इज देयर, इसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अनअकैडमी समिट एक मेगा इवेंट अनअकैडमी करवा रहा है, आप इस मेगा इवेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू ज्वाइन द सेशन, है ना। यहाँ पे मेरा भी सेशन होने वाला है AIR 26 हिमांशु गुप्ता के साथ, ठीक है। तो आप जिस भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हैं, जिस भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में, आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, है ना, कैसे एग्जाम की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एग्जाम का नेचर क्या है, सारी बातें सीखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर नए बैचेस जो हैं वो 18 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो आप इन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रॉम 18th February कल से शुरू हो गए, इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में, ठीक है। चलिए, तो कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें हैं। DL Live इज द कोड, आपको यही यूज करना है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और फी स्ट्रक्चर ये है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का, ठीक है जी। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग एंड लेट्स क्रैक इट।